कई भी गड्डिया पेट्रोल ते डीजल नु छड के सानू सीएनजी ते चलाउणी पई। भाई 500 दे नाल 70 किलोमीटर चलदी है डीजल वाली गड्डी, ए 250 चली जांदी है। असि इस वधे हुए रेटां दे खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे? आप आम बंदियां दी कौन सुनदा इत्थे? 10 महीना तो किसान उत्ते बैठे ने, उन्हां नहीं सुनी जा रही, अपनी कौन सुनदा फिर? क्योंकि इन्होंने सीएनजी वधाती, डीजल पेट्रोल वध गए, दिहाड़ी उत्थी हैगी। एक ड्राइवर आ, उहदी अज भी दिहाड़ी उत्थे हैगी, कल भी उत्थे सी, तेल उदू दुगने तिगने होई जांदे ने, ठीक है जी। तो रौला ये आ, तनखाहां उही आ, प्राइवेट मुलाजम मारे पए आ, उन्हां दा उही 10,000-9,000 तो वध कोई तनखाह नहीं दे रहा इस टाइम। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया, तो मैं हाँ गुर इकबाल सिंह। जिवें कि तुसी मेरे पिछे देख ही रहे हो कि असी एक पेट्रोल पंप ते खड़े हाँ, तो लगातार पेट्रोल ते डीजल दे जिहड़े रेट आ लगातार वधदे जा रहे हैं। इन्हां रेटां नूं लै के किते ना किते आम लोगों के रोस जरूर है, पर सिर्फ रोस मना तक ही सीमित है, क्योंकि मैं समझदा कि इस पेट्रोल ते डीजल का अल्टरनेट आम लोगों ने लभ लिया, क्योंकि ये जिहड़ियां लंबियां लाइनां असीं तुहानूं पहलां दिखा चुके हैं, ये लाइनां सीएनजी गैस पवाउण वास्ते सी। सीएनजी गैस पवाउण दे लई ये लोग इत्थे लाइनां दे विच खड़े होए आ। बहुत ज़्यादा किल्लत है जिहड़ी आम लोगों नूं हो रही है, क्योंकि तेल ते सॉरी पेट्रोल ते डीजल दे जिहड़े रेट आ लगातार वध रहे आ, किते ना किते आम लोगों की पहुँच तो दूर पेट्रोल ते डीजल हुंदा जा रहा है। पर आम लोग ने जो वो एक अदर अल्टरनेट के तौर के उत्ते लग गए ने, जदों कि इस सीएनजी का रेट भी लगातार वधे। आम लोगों नाल गलबात करांगे कि उन्होंने की परेशानियां आउंदियां। हाँ जी, साढ़े नाल एक वीर मौजूद है। बई जी, सीएनजी पवाना है? बिल्कुल वीरे। की लोड पई भी गड्डियां पेट्रोल ते डीजल नूं छड्ड के सानू सीएनजी ते चलाउणियां पईयां? भाई 500 दे नाल 70 किलोमीटर चलती है डीजल वाली गड्डी, ये 250 चली जाती है, तो 500 रुपया बंदे नूं दिहाड़ी पैंदी है। जिहड़ा कोई प्राइवेट नौकरी जॉब करता, 500 रुपया दिहाड़ी पैंदी। हुण बंदे ने जे चंडीगढ़ों इत्थे आउणा तां 1200 दा डीजल खांदी आ, ते जे वापस जाणा 2400 दा खा गई, उहदियां 5 दिहाड़ियां मर गईआं, ते इहदे च बंदा 1000 रुपये च मुड़ जांदा। नहीं भाई जी, लगातार जिहड़े रेट वध रहे आ, तुहानूं इह वी पता है वी जिहड़ा इंटरनेशनल मार्केट दे विच जिहड़ा प्रति बैरल दा रेट है ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਬਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਪ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੰਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਅਦਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ? ਬਈ ਉਹ ਲੀਡਰ ਚੱਕਣ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ? 10 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ। 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈਣਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਰੇ? ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ 500-700 ਬਚਦਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਨਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ।
भाई जी सी एन जी का रेट भी वधाए जा रहे हैं, जे सी एन जी का रेट भी पेट्रोल डीजल वगू उ वधा दते गए तो फिर आप अगला हल की है? अगला हल तो यही है भाई जी भी साइकिलों पर आना पू, क्योंकि इन्होंने सी एन जी वधाती, डीजल पेट्रोल वध गए, दिहाड़ी उत्थी हैगी। एक ड्राइवर आज भी दिहाड़ी उत्थे हैगी, कल भी उत्थे सी, तेल उदू दुगने तिगने हो जाते हैं, ठीक है जी। तो रौला ये आ तनखाह उ प्राइवेट मुलाजम मारे पे आ, उन्हें तो उ 10,000-9,000 तो वध कोई तनखाह नहीं दे रहा इस टाइम। चलो अगे भी आपर गलबात करते हैं भाई जी, असी पेट्रोल तो डीजल तो दुखी होकर लगातार रेट वधदे सी, सी एन जी तो आ गए। सी एन जी के भी पिछले दिन जोड़े रेट है वो कट्ठे वधा दते गए, 4-4.5 रुपए का रेट वध्या। जे सी एन जी का रेट भी पेट्रोल डीजल वगू उ चले जाते फिर उदू बाद करेंगे भाई जी? सरकारों को चाहिए हूँ कि कोई दसो कि चीज़ नहीं बढ़ रही, पेट्रोल भी डीजल भी सी एन जी भी दालों भी सब कुछ सिरे लगे पै, एक जान मुठ्ठी चाहिए पी, मजबूरी है बंदा करे किधर जाए दसो। साइकिलों तो हम हरेक तो जाया भी नहीं आता, बंदा साइकिल जा चुके जिधर पहुंचा भी नहीं आता, गोडे गट्टे भी नहीं काम करते। अच्छा बीमारियां भी लोगों को इन हो भी मजबूरिया ने, बहुत लोग तुरे फिरते उधर। अक्सर तुम देख लो अंदोलन मोदी का, किसान फसे बैठे है तो खर्चे ज्यादा फसलों के, फसलों आमदन कोई है नहीं, इन्नी मजबूरिया ने एक तरह से मजबूरिया खड़े हैं, इतने लाइन लगियां तो घंटा घंटा खड़े हैं इतने। थोनू नहीं लगता जी सानू जिहड़े वधे हुए पेट्रोल डीजल के भा इन खिलाफ़ बोलना चाहिए सी? असी वो बोलण की बजाय असी एक अलग तो हल लभ लिया, हल लभ लिया सी एन जी भी, सी एन जी का रेट घट है। दिल्ली तो बड़ी गिणती दे विच गड्डियां जिहड़ियां पंजाब दे विच सी एन जी वालियां आ रही खरीदियां जा रही, महंगे महंगे भावों से लईयां जा रही। थोनू नहीं लगता भी असीं गलत कर रहे भाई? कर रहे सारे बोलन इकट्ठे हो, जे मैं कला कुछ कह फिर तो होना नहीं, सुनना तो सारे नूं पैणा, पर असीं चुप क्यों हाँ, उहदा कारण की है बई? जो सारे बोलना ये मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कला की करूँगा, थोड़ा दस देना इतने जो सारे मुसीबत पेगी। जी मैं हूँ सारे बैठे हूँ दिल्ली, साल डूढ़ साल हो गया बैठे उत्थे, जो तो सारे पेगी फिर भजन के बारे हूँ, पहले पेट्रोल महंगा हो गया वो भी नहीं कुछ कर सकते। सो इतने आम लोगों के देखने दिलों के गुस्सा तो जरूर है, सरकार प्रति उन्होंने कितने ना कि नाराजगी जरूर है, पर कोई भी मैं लगता कि असी रझेव्या इन्ना क ज़्यादा उलझ चुके हैं, अपनी निजी जिंदगी नू पटड़ी ते लियाउण वास्ते इन्ने क ज़्यादा उलझ चुके हैं कि असी इन्ना वध रहे रेटां दे खिलाफ सरकार दे खिलाफ़ कुछ कहन नू तैयार नहीं, सरकार दे खिलाफ़ कुछ बोलन नू तैयार नहीं, क्योंकि दुखी सारे ने। सी एन जी हल लभ्या उहदा भी रेट लगातार वधदा जा रहा, पेट्रोल पंप मालकां नाल भी गलबात करांगे कि उन्हां कोल डेली दियां किन्नियां क गड्डियां जिहड़ियां इत्थे पहुँच रही ने, क्योंकि इत्थे मैं दिखाउणा चाहूँगा कि गड्डियां दे लाइनां देखो किस तरह लगियां होई हैं। बहुत वड्डी गिणती दे विच लोक है जिहड़े उह सी एन जी पवाउण आए हुए आ, लाइनों के खड़ के उन्होंने खज्जल खुआर होना पै रहा, वड्डी गिणती दे विच उन्होंने इत्थे अपना समा बर्बाद करना पै रहा, पर इस परेशानी नू भी झलदे हुए लोग गड्डियां दे विच सी एन जी पवा रहे। अगर सी एन जी दे रेट वध जांदे आ तां फिर लोकां कोले अगला हल की है, अगला विकल्प की है, ये वड्डी गल है, ये सोचण वाली गल है। पेट्रोल पंप मालकां नाल भी गल करदे, साडे नाल पेट्रोल पंप के मैनेजर मौजूद आ, उन्हां नाल गलबात करते हैं कि इत्थे डेली दियां किन्नियां क गड्डियां सी एन जी भरवाउण लई आउंदियां, किन्नियां क गड्डियां हर रोज़ दियां जिहड़ियां सी एन जी वास्ते तुहाडे कोल आउंदियां, अंदाजा की है? अंदाजा होगी जी 700-800 गड्डी आउंदी होगी डेली। हाँ जी पहलां दी जिहड़ी गड्डी दी जिहड़ी आवाजाई जदों स्टार्ट कीता तुसीं काम उदों भी 700-800 आउंदी सी जां इह हुण ही वधिया? वधिया काम जी, सी एन जी का काम वध गया, पहले स्टार्टिंग से तो 200-300 गड्डियां आती सी, हुण सेल भी पहले घट सी हुण काफ़ी वध गई है। अच्छा डीजल तो पेट्रोल की सेल से की फर्क पिया इहदा? डीजल तो पेट्रोल का जिहड़ी जिन्नी थोड़ी रूटीन च पहला सी एन जी के आने तो पहला की गल कर रहा मैं, वह सेल सी वह सेल उन्नी है कि घटी? ना ना माड़ा मोटा फर्क पै गया जी, सी डीजल पर भी पै गया, पेट्रोल पर भी पै गया, सी एन जी वध हो रही है, डीजल पेट्रोल की सेल का फर्क पै गया। तो गड्डियां कितों नहीं आउंदियां सारियां पंजाब दियां? ना ना बाहर दी भी है जी, टैक्सियां गड्डियां भी आंदियां कोई हरियाणा तो कोई दिल्ली तो। जिहड़ियां पंजाब दे लोकां कोले गड्डियां, पंजाबी लोग जिहड़ियां गड्डियां लैके आउंदे आ, उह ज्यादातर पंजाब दे नंबर ही ने जां कितों बाहर दे? बाहर दे भी है, पंजाब दे तां लोकली अजे कोई ऑथोराइज्ड है ही नहीं बंदा जिहड़ा मतलब इन्हां नूं सिलेंडर सर्टिफिकेट भी दे सके, दूजा मतलब वो कर सके, क्योंकि बाहर दी गड्डियां ज्यादा है जी दिल्ली तो। किवें सो इन्हां ने साफ तौर ते कहा कि इन्हां दी जिहड़ी पेट्रोल डीजल दी जिहड़ी सेल आ उह भी घटी है, सी एन जी की कितने ना कि इन्नी क ज़्यादा सेल होण करके, क्योंकि मैं अपना सवाल फिर उही है कि पेट्रोल दे रेट लगातार वधदे जा रहे हैं, डीजल दे रेट लगातार वधदे जा रहे हैं, साढ़े
भारत के लोग जी पंजाब की खास करके गल करिए, पंजाब के लोगों ने एक अदर अल्टरनेट लभ रहा है, उदा एक दूजा विकल्प लभ रहा कि सी एन जी नाल असी गड्डियां चला सकते हैं, साड़ी जेब दे विच जा पैसे दे पर बचत हो रही है। पर डेढ़ तो लैके दो लख रुपए तक की गड्डी लैके सी एन जी की गड्डी लैके सी एन जी चलाई जा रही है, पर इन्हां रेटां दे खिलाफ, इन्हां वधे हुए रेटां दे खिलाफ कोई बोलन नूं तैयार नहीं है। इत्थे फिर उही गल आ जाती है कि असी सरकार तो दुखी भी हाँ, असी परेशानियां भी झल रहे हैं, असी अपना समा भी बर्बाद कर रहे हैं लाइनां दे विच खड़ के, पर एक नवां विकल्प लभ के असी जिंदगी उस तरह ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिंदगी उस रफ्तार दे विच चला रहे हैं। सो जुड़े रहो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया नाल, धन्यवाद।